काम कुछ नहीं हो रहा है, यहाँ चाल भी नहीं मिल रहा महीना महीना में। हाँ। तो क्या सरकार हम लोग वोट दे रहा है, 5 साल में एक बार आ रहा है, वोट लेके जा रहा है। इस बार चुनाव में मेरा पूर्ण समर्थन बीजेपी पर रहेगा। बीजेपी को? जी हाँ। क्यों, कारण? क्योंकि हम लोग जो मतदान करते हैं सेंट्रल देख के करते हैं। देखिए ये लोग बोल रहे हैं कि हम तो सेंट्रल देख कर देंगे, तो पहले तो हमको अपना घर भी तो देखना होगा, उसके बाद तो देश देखे। मेरा घर ही ठीक नहीं है तो फिर देश का हम लोग सही बात बोल रहे हैं कि ये लोकसभा का चुनाव है। ये सारा कुछ काम सेंट्रल से होने वाला है, क्योंकि यहाँ अगर ये तो बोल रहे हैं कि भाई अगर देवेंद्र कुछ कर भी ले तो क्या कर पाएंगे। संजय सेठ भी अभी तक क्या है, आपको मौका दिए थे 5 साल हम लोग। आप अच्छा, आपका 5 साल में तो बहुत काम किए संजय सेठ बोल रहे हैं। सर मेरा गांव चले दिखा देंगे, जब मेरा पास भी वीडियो होता कि बाथरूम बना देंगे, एक भी बाथरूम से नहीं है। घर बना देंगे, मेरा गांव चले एक भी घर नहीं है पीएम आवास। रोड भी नहीं है तो फिर किस क्या काम, कैसा काम किए सांसद जो है संजय सेठ जी? वो तो मानी हुई बात है कि वर्क इज वर्शिप, जो काम करेंगे उनकी तो पूजा होगी, वो तो बाई फोर्स वाली बात नहीं होती है। तो बहुत काम साहे की बेटी जो आई है तो नहीं, नहीं मुलाकात हुई, देखे भी। हाँ। तो वही ना बोल रहे हैं, वो भी ठीक है। जो सांसद हैं वो कैसा काम किया अभी जो संजय सेठ? काम तो अभी ठीक ही कर रहा है, काम ठीक कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं, कोई शिकायत नहीं। तो अभी जो आई थी ये नेता यशस्विनी साहे, ये तो अभी आ रहा है नया फ्रेश, मैं तो फ्रेश अभी देख रहे हैं हम। कैसा लगा? ठीक ही लगा है। तो अभी जो सांसद हैं मौजूदा वो कैसा काम कर रहे हैं? ठीक है, काम तो ठीक है कर रहे हैं, बीजेपी का है इसलिए। हाँ। चुनाव में इस बार तो पूरा परिवर्तन की लहर देख रहा है, महागठबंधन जीतने की उम्मीद लग रहा है देश में। हाँ। तो जहाँ तक है जिस हिसाब से देश में बेरोजगार बढ़ते जा रहा है दिन ब दिन, उस हिसाब से तो बदलाव बहुत जरूरी है। हाँ। जिस हिसाब से नया रोजगार क्रिएट नहीं हो रहा है, बेरोजगारी दिन ब दिन बढ़ रहा है, शिक्षित बेरोजगारी अभी संख्या में बहुत ज़्यादा हो गया है। हाँ। इस हिसाब से इस बार परिवर्तन जनता अधिक तो अधिक परिवर्तन मानने से बढ़ जाना चाहते। क्या नाम है, आप क्या करते हैं? हम लोग तो बिजनेस से जुड़े हुए हैं। हाँ। मेरा नाम हुआ सहदेव सवासी। तो आप यहीं ईचागढ़ के ही रहने वाले? हाँ, ईचागढ़ में। तो ईचागढ़ के लोग जो है बीजेपी के साथ नहीं है? बीजेपी का भी है, लेकिन अधिक संख्या में इस बार देखने में आ रहा है कि महागठबंधन। कारण क्या मानते हैं? कारण मानते हैं कि 10 साल में बहुत अधिक बेरोजगारी हो गया है, शिक्षित बेरोजगारी बहुत अधिक बढ़ा हुआ है, और यही कारण सबसे बड़ी कारण है। ये देखिए यहाँ पर तरबूज और सत्तू जो है बिक रहा है, पीलिए आप यही के वोटर हैं। हाँ। क्या नाम है? संतोष कुमार महतो। क्या सोच रहे हैं आप? हम सोच रहे हैं कि काम कुछ नहीं हो रहा है, यहाँ चाल भी नहीं मिल रहा महीना महीना में। हाँ। तो क्या सरकार हम लोग वोट दे रहा है, 5 साल में एक बार आ रहा है, वोट लेके जा रहा है। हाँ। तो रोड रास्ता कुछ नहीं बन रहा, बिजली टाइम से नहीं मिल रहा। हाँ। एक दिन हवा बसा दे दिया तो 8 दिन लाइन नहीं मिल रहा, ऐसे क्या बात है, ऐसे सरकार है बताइए। तो क्या सोच है, वही तो पूछ रहे। सोच है हम लोग अभी दूसरा को देंगे वोट। दूसरा को? हाँ, महतो। जयराम महतो जी? यहाँ तो जयराम महतो नहीं लड़ रहे, एकदम लड़ रहा दूसरा है ना उसका, देवेंद्र महतो। देवेंद्र महतो है ना। हाँ। उसी को देंगे, उसी के साथ है। 5 साल में वो वोट दे दिया, वो 5 साल एक बार भी नहीं आएगा मिलन चौक, ऐसा थोड़ी होता है। मिलन चौक आना है? नहीं, मिलन चौक आना है, यहाँ से वोट लेके जीत के चला जाएगा तो यहाँ आना पड़ेगा ना। तो क्या नाम है आपका भैया? मेरा नाम श्री रामदास है। तो ये कितने दिन से बेचते हैं सत्तू और ये सब? कैसे गिलास है? 20 रुपये गिलास है। बिक्री ठीक है? नहीं है, कम हो गया है। हुँ. क्यों, यहाँ तो मिलन चौक में हमेशा भीड़ रहती है बहुत। आदमी रहेगा तब ना। आदमी नहीं है, गर्मी ज्यादा है क्या? हाँ। तो क्या चर्चा सुन रहे हैं चुनाव का इस बार आप? चर्चा तो हम, मेरा पास कुछ नहीं होता है। या, मेरा पास तो चर्चा नहीं होता है, हम तो दुकानदार है ना सभी का। आप क्या सोचे हैं इस बार क्या होना चाहिए? वो देखा जाएगा बाद में, अभी नहीं। अभी नहीं, अभी सोचे नहीं है कुछ? नहीं। आप यही क्या हैं, वोटर हैं? हाँ है। क्या लग रहा है इस बार, क्या सोच पा रहे हैं आप लोग? हम लोग वही जो सरकार रहेगा, मतलब शिक्षा में और स्वास्थ्य में थोड़ा ठीक करें। हाँ। अच्छा तक करें, ताकि बुनियादी रोड रास्ता बिजली पानी का व्यवस्था जो ठीक ढंग से करें उन्हीं को दिया जाए। तो ये संजय सेठ और यशस्विनी जायसवाल, देवेंद्र महतो, ये सब में कौन ठीक लग रहा है आपको? अभी तो देखिए कोई भी नेता भी ढंग का तो नहीं है। हाँ। अभी जो काम करने वाला जमीनी स्तर से आके करेंगे वैसा। हाँ। तो सोचेंगे जो अच्छा काम करेंगे, अभी तो नहीं सोचे हैं। अभी सोचे नहीं है? नहीं सोचे हैं। क्या आप है ये वोट
वोटर बन गए कि नहीं बने? वोटर बने हैं। बने? फर्स्ट टाइम दीजिएगा? हाँ फर्स्ट टाइम देंगे। तो फर्स्ट टाइम क्या सोचे हैं, क्या सोचकर बटन दबाना है इस बार? इस बार दबाना है हम लोग को जेबीकेएसएस को, देवेंद्र नाथ महतो को। देवेंद्र नाथ महतो को, उनका वोट है यहाँ पर? हाँ है, टीचागढ़ विधानसभा है। क्यों क्यों उनको? उनका सबको देख लिए ना एक बार करके, तो इस बार उसको देखेंगे। तो जेल भेज दिया नॉमिनेशन के बाद ही तो निकलेगा। निकलेगा आप भी है वोटर है? जवाहर। क्या करते हैं? स्टूडेंट। स्टूडेंट है, क्या नाम है? मुकेश महतो। तो मुकेश जी क्या सोचे हैं? बदलाव चाहते हैं इस बार, युवा को मौका देना चाहते हैं। जो युवा का बात करके उसी को आगे भेजना चाहते हैं। युवा तो यशस्वनी से आए हैं, बोल रही हैं कि हम बहुत कम उम्र के हैं, पर वो धरातल में नहीं ना है, वो बाहर में पढ़ते थे, फिर अभी चुनाव आया तो आ गए फिर यहाँ पे। अगर कोई झारखंड का कोई लोकल रहता युवा तो हम सब पढ़ना भी तो जरूरी है ना है, पर वो जानते नहीं ना यहाँ का मुद्दा है लोकल के बारे में। अब देखिए मेरा हम लोग का चांदी लेने में आपका 116 का बिस्तर, इसके इस बारे में पूछेंगे तो हो सकता नहीं जान पाएगी। अगर लोकल के रहता, अगर कांग्रेस से भी रहता, युवा रहता, पढ़ा लिखा रहता तो उसको सपोर्ट करते हैं। इसको इसलिए सपोर्ट नहीं करें क्योंकि वो बाहर में पढ़े लिखे, यहाँ के बारे जानते नहीं उतना। और इस बार हम लोग चाहते हैं कि जो युवा का बात उठा रहा, जैसे देवेंद्रनाथ भैया हुआ, तो उनको सपोर्ट करेंगे। अगर वो अभी जेल में रहेंगे फिर भी जिताएंगे हम लोग। जेल में ही जिता जिता देंगे। क्या चीज़ में पढ़ते हैं? BCA कंप्यूटर साइंस। BCA कर रहे हैं जी। तो नौकरी का फॉर्म वगैरह भर रहे हैं जी? अभी तो नौकरी हमको मिला ही नहीं भरने के लिए, अभी तो एज नहीं हुआ था पहले, अभी तो जब तक कम्प्लीट नहीं होगा तो फिर भर भी नहीं पाएंगे। अभी आप भी यहीं के वोटर हैं जी? हाँ। क्या नाम है? ब्रजेश कुमार पांडे। तो पांडे जी क्या सोच रहे हैं इस बार? इस बार चुनाव में मेरा पूर्ण समर्थन BJP पर रहेगा। BJP को? जी हाँ। क्यों, कारण? क्योंकि हम लोग जो मतदान करते हैं सेंट्रल देख के करते हैं। अच्छा। क्योंकि आज तक जितना काम हुआ है मोदी जी के प्रधानमंत्री कार्यकाल में, अभी तक किसी ने उतना कार्य नहीं किया है। देखिए ये लोग बोल रहे हैं कि हम तो सेंट्रल देख कर देंगे, तो पहले तो हमको अपना घर भी तो देखना होगा, उसके बाद तो देश देखे। मेरा घर ही ठीक नहीं होगा तो फिर देश का हम लोग। सही बात बोल रहे हैं। बात सही है, लेकिन देखिए ये लोकसभा का चुनाव है, ये सारा कुछ काम सेंट्रल से होने वाला है, क्योंकि यहाँ अगर ये तो बोल रहे हैं कि भाई अगर देवेंद्र कुछ कर भी ले तो क्या कर पाएंगे कल? संजय सेठ भी अभी तक क्या किए? अभी तो कुछ नहीं। अगर अच्छा नीति रहेगा तो देवेंद्र भी सपोर्ट करेगा मोदी को, ऐसा बात तो देवेंद्र भाई नहीं बोलेंगे समर्थन नहीं करेंगे BJP का। अगर अच्छा नीति लाएंगे तो देवेंद्र भी समर्थन करेंगे, और तो खुद बोलते हैं कि समर्थन करने के लिए हम जनता से राय सुमारी करेंगे। अगर जनता बोलेगा कि समर्थन करें BJP को, अच्छा नीति लाएगा तो उसको समर्थन करें, खराब नीति रहेगा तो नहीं करेंगे। और BJP ही एक ऐसा पार्टी है जो कि सभी धर्म सभी वर्ग के लोगों को सम्मान करती है, बाकी सब गलत है। कुछ दिन पहले जो न्यूज आया था रांची में, अब महतो को भी टोपी पहना दिया था, मुसलमान क्या बोलता है कि मुसलमान शामिल हो गया था, गलत था न्यूज़। तो आप भी देखे थे, हम जो न्यूज़ देखे थे मेरे मोबाइल में है वो आपका हजारों जो रूम में बैठक हुआ था उसमें बोला जा रहा था कि BJP के कोई थे लीडर कि हजारों मुसलमान शामिल हुए BJP में, लेकिन बाद में जब पता चला न्यूज में कि वो मुसलमान नहीं थे, कोई महतो था, कोई उरा, तो उसको टोपी पहना दिया था, मुसलमान बना दिया, गलत है। ये तो बात मोबाइल में हम दिखा सकते हैं आपको, अभी हम देखिए इनको दिखाई ना, हम तो देखे। बात ये सब जितना भी बोल रहे हैं ये सरासर गलत है, क्योंकि सबके दिल में BJP ही BJP छाए हुए हैं, सर सब युवा के दिल। हाँ, आपके अगल बगल के लोग? हाँ सब युवा के दिल में BJP। देखिए सर, हाँ देखिए क्या सकता है, भाजपा के जो लोग थे मुसलमान नहीं थे, मतलब हम लोग का जो महत्व था कोई उराव था, ये उसको मुसलमान का टोपी पहना दिया था, बोले कि मुसलमान लोग शामिल हो गए। अब सही राजनीति की जब आपका सपोर्ट करें, गलत राजनीति मत कीजिए। आपको मौका दिए थे 5 साल हम लोग, आप अच्छा आपका 5 साल में तो बहुत काम किए संजय सर, बोल रहे हैं सर मेरा गाँव चले दिखा देंगे। जब मेरे पास भी वीडियो होता कि बाथरूम बना देंगे, एक भी बाथरूम सही नहीं है, घर बना देंगे, मेरा गाँव चले एक भी घर नहीं है PM आवास, रोड भी नहीं है, तो फिर किस क्या काम? और जो चावल बोलते हैं ना 5 किलो 5 किलो हम लोग खुद देंगे सरकार को, प्रत्येक महीने उतना चावल हम लोग को उपजा होता सारा खेत में, मतलब 5 किलो चावल सरकार को दे देंगे। हाँ जो हम लोग का नहीं है उसको दीजिए। एक चीज़ आपको बता देना सर, यहाँ पे गैस का जब दाम बढ़ता है तो आवाज़ उठाता सब कोई, आपका क्या बोलते हैं फिर पेट्रोल का आवाज़ उठाता, लेकिन मिट्टी तेल का आवाज़ नहीं उठाता। बोलिए क्यों नहीं उठाता? क्योंकि मिट्टी तेल का यूज गरीब करता है, खेती पटाने के लिए, सब्जी पटाने। तो बोल रहे हैं अब यूज ही नहीं होता है उतना। कैसे नहीं होता सर, मेरा गांव में चलिए, सब गांव में जितना भी खेती पर किसान लोग मिट्टी तेल का यूज करता है, डिबरी जलाता है, लाइट नहीं रहता तब, ये तो गलत है। और एक चीज़ देखिए, ये बिजली बिल वाला भी वो मनमानी करता, सबको लिमिट जो है लिमिट जो काटने का, वो अचानक आपका बिल आ जाता है 10,000 15,000, देना है तो देना है, नहीं देना तो फिर आपका थाना ले जाएगा। सीधा 10,000 बिल देते हैं? सीधा 10,000, ज़्यादा किसी के 18-20,000 भी आता बिल आता है ना, पूछ लीजिए। मतलब और मैंने शिक्षा, और शिक्षा का स्थिति बहुत ख़राब है हम लोग यहाँ का। देखिए आप तो ऊपर देख कर दीजिएगा, तो जमीन वाला काम कौन क्या है कि सर, वो स्टेट गवर्नमेंट का काम है।
स्टेट गवर्नमेंट का काम है, क्योंकि हमारे झारखंड में अभी तक बीजेपी की सरकार नहीं बैठी है। जिस दिन बीजेपी सरकार आएगी, पाँच साल पहले क्या किए बीजेपी सरकार, वो भी काम नहीं किया, तब हम लोग जेएमएम को चुने। जेएमएम काम नहीं किया, इसलिए देखो दोनों को चुने। एक फुटबॉल मैदान है, इधर से कोई गोल मारे, इधर से कोई बीच में नहीं है। एक बार तुम खाए कर हम खा रहे हैं, लेकिन इस बार में तीसरा विकल्प चुन रहे हैं जेबी कैसे। अच्छा काम करेगा तो चुनेंगे, फिर इसको हटा देंगे खराब काम करेगा तो। हम जैसे पिछले विधानसभा चुनाव में हमारे मुख्यमंत्री थे रघुबर दास जी, जिन्होंने हमारे युवाओं के लिए बहुत कुछ कार्य कर चुके हैं। जिला पुलिस निकाले थे, टीचर्स का बहाली निकाले थे, युवा के लिए बहुत कुछ किए थे। लेकिन पाँच साल से जेएमएम सरकार ने जिस तरह हमारे युवा पीढ़ी को ठगा है, इतना ठगने का काम कोई नहीं अभी तक किया है। सेंट्रल का भी तो 200 करोड़ वाला बात, तो भी तो नहीं कर पाए। हम दोनों को गलत कर रहे हैं, हम नहीं बोलते कि जेएमएम का सपोर्टर है, जेबीकेएसएस का सपोर्टर है। इसका मतलब नहीं कि हम जेएमएम का भी सपोर्टर है ना बीजेपी का। हम दोनों का विरोध करते हैं, तब जेबीकेएसएस का सपोर्ट कर रहे हैं, दोनों का विरोध करते हैं। कैसा काम किए सांसद जो है संजय सेठ जी? वो तो मानी हुई बात है कि वर्क इज वर्शिप, जो काम करेंगे उनकी तो पूजा होगी, वो तो बाई फोर्स वाली बात नहीं होती है कि नहीं। आप क्या नाम है आपका? गुणाधर महतो। तो आप टीचर? सेवानिवृत्त से मध्य विद्यालय सालुपटी। यही के स्टूडेंट भी थे। तो इस बार की मतलब काम ठीक किए हैं संजय सेठ, तो फिर से उन्हीं को या और कुछ सोच रहे हैं? अब हम और क्या सोचेंगे बोलिए। ठीक है वही है, लिखा लिखी किए नहीं, देखा देखी बात। हाँ। दूल्हा दुल्हन मिल गए, फीकी पड़ी बरात। हाँ। तो जो मैं अपनी आँख से देखता आ रहा हूँ, देख रहा हूँ, और इन फ्यूचर में भी वही आशा रखता हूँ। हाँ। उन्हीं को देना है, उन्हीं को देना है बस। इस मेरी बात इस पर, ये सुबोधकांत साय की बेटी जो आई है, नहीं मुलाकात हुई देखे भी है, तो वही ना बोल रहे हैं, वो भी ठीक है। जो सांसद हैं वो कैसा काम किया अभी जो संजय सेठ? काम तो अभी ठीक ही कर रहा है। काम ठीक कर रहे हैं? ठीक कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं, कोई शिकायत नहीं। कोई बदलाव चाह रहे हैं या लग रहा है कि यही ठीक है? अभी तो कुछ बुझा रहा है, उसके बाद देखा जाएगा जो होगा। चुनाव वगैरह में क्या नाम है आपका? देव प्रसाद साहू। अच्छा, ये किराना का दुकान है जी, यही चलाते हैं? जी यही चलाते हैं। कितना दिन से है? करीबन 4-5 साल से। इससे पहले क्या करते थे? इससे पहले साइड बिजनेस करते थे, सरसों तीसी इमली। तो क्या कैसा है ईचागढ़ में बाजार मार्केट वगैरह? ठीक ही है बाजार मार्केट जो भी है। चुनाव को लेकर क्या है बाजार? चुनाव देखिए रणनीति के हिसाब से चुनाव लड़ा जाएगा और क्या। और हम लोग का देने का है, हम लोग जो सोचेंगे वही देंगे, लेकिन बाय माइक नहीं बोल सकते हैं किसको देंगे। तो अभी जो सांसद हैं मौजूदा, वो कैसा काम कर रहे हैं? ठीक है, काम तो ठीक है कर रहे हैं, बीजेपी का है इसलिए। हाँ। और क्या बताएंगे आपको, बीजेपी की तरफ ही आप लोग रहते हैं? तो वो तो पूरा ये नहीं बोल सकते हैं कि बीजेपी। हाँ। के जो जीते काम ठीक लगता है। हाँ, काम ठीक लगता है, जो है वही है, बदलाव करने की जरूरत नहीं है, बदलाव करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ क्या काम और लग रहा है कि इस बार फिर से जीते सांसद तो करें यहाँ के लिए? यहाँ का काम क्या, थोड़ा किनारे का विषय की छोड़िए, जो भी है ठीक है, सब ठीक है। हाँ, सब ठीक है। जो अभी होना है उसमें क्या समझ पा रहे हैं? क्या समझ पा रहे हैं, मतलब किधर इस बार है सब लोगों का? वो तो अभी हम कैसे बोल सकते हैं। आप वोट देते हैं? हैं? आप देते हैं वोट? हाँ। क्या सोच कर देते हैं? वो देंगे जब देंगे, बताएगा नहीं है? बताएंगे ना, ये वो तो बताने का चीज नहीं ना है बाबा, वो बताने वो यह है प्राइवेट चीज, प्राइवेट चीज है। बस इतना बता दीजिए कि जो अभी सांसद हैं संजय सेठ जी, ठीक नहीं संजय सेठ जी जो सांसद हैं कैसा काम कर रहे हैं? कैसा काम कर रहे हैं? हाँ। चल रहा है, ठीक ही चल रहा है। मतलब आपको ठीक लगता है कि नहीं लगता है? ठीक है, ठीक है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुबोल। क्या क्या बेच रहे हैं? यही तो, यही आलू चौप है, समोसा है। हाँ। जलेबी है, लड्डू है, हरी सराय केला का खास लड्डू भी है। हाँ, नहीं? हाँ, है। क्या बोलते हैं इसको? लड्डू है, लड्डू है, मिलन चौक वाला लड्डू है। हाँ। हाँ। तो बिक रहा है पूरा? हाँ, पूरा बिक रहा है। चुनाव को लेकर क्या सोच पा रहे हैं? चुनाव में तो अभी कुछ नहीं सोचते हैं। हाँ। वोट के टाइम में देखा जाएगा। तो ये जो सांसद हैं संजय सेठ जी, कैसा काम किए? ये तो हम देखे नहीं किए, उनको नहीं देखे एक बार? नहीं। तो इस बार क्या सोचे? क्या सोचे वो तो देखा जाएगा बाद में। अभी नहीं, कभी आए नहीं क्या यहाँ पर? कहाँ, हम नहीं देखे हैं। हाँ। नहीं।
चौक पे तो आप हमेशा रहते हैं? रहते हैं, लेकिन कभी कभी आता है, सुनते हैं जो संजय सेठ आया है। और कुछ नहीं, बस पेट मुलाकात। काम वगैरह कुछ खास नहीं? काम तो हम नहीं देखे, नहीं देखे नहीं। तो अभी जो आई थी ये नेता, ये सुशनी शाह, ये तो अभी आ रहा है नया फ्रेश। मैं तो फ्रेश अभी देख रहे हैं हम। कैसा लगा? ठीक है लगा है, ठीक है। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान, जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF। झारखंड के इतिहास में पहली बार नीट UG में 700 मार्क्स पार, 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स और 11th पास स्टूडेंट के लिए फ्रेशर कोर्स, 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 18th अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉन्टैक्ट बायोम। The followup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in